opposition's Maharally at Delhi's Ramlila Maidan is underway, a mega show of strength ahead of the Lok Sabha elections. And it's not just that, the rally is being held in support of the arrested Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal. The Aam Aadmi Party is expecting over 1 lakh people to attend. Delhi police have issued a traffic advisory in view of the massive rally. The movement of traffic will be regulated for nearly 6 hours. But what is extremely important is the several opposition leaders, top opposition leaders who have come together, who are sharing the stage. From Akhilesh Yadav to Congress top leaders, there are several who are on the stage right now. Let's just quickly dip into, listen in to what Mallikarjun Kharge is speaking. And Modi ka kya hai? Court bhi uske paas hai. Police bhi uske paas hai. Sabhi kuch uske paas hai. Aur इसीलिए मैं एक शायर ने लिखा है, अपील भी तुम हो, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, सब उनका, वकील उनका, कोर्ट उनका, पुलिस उनकी, सब कुछ उनकी। तो ऐसे में डेमोक्रेसी को टिकाना, आप में जो जोश आना चाहिए और जोश के साथ हम लड़ते रहेंगे। मैं करूंगा, मैं कहूंगा जय हिंद, जय हिंद। क्या यारो, उधर के पीछे के लोग बोल रहे हैं, आपको नहीं होना जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। सबको धन्यवाद, नमस्कार। साथियों, अब मैं स्वागत करूंगा और निवेदन करूंगा झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सुरेन जी से कि वो अपनी बात रखें। मैं माफी भी मांगना चाहता हूं, उनको बहुत देर हमने इंतजार किया। चंपई सुरेन जी बोलेंगे और उसके बाद प्रियंका गांधी वाड्रा जी एक स्टेटमेंट आपके सामने पढ़ेंगी और उसके बाद राष्ट्रगान होगा, तो आप सब लोग रुकिएगा। लोकतंत्र बचाओ, बचाओ इस सभा में। Right, and that was Mallikarjun Kharge speaking. But let's also quickly listen into what leaders spoke earlier, including Akhilesh Yadav. पैसे देकर सरकारों को गिराया जाता है, नेताओं को जेल में डाला जाता है, केजरीवाल जी को, सोरेन जी को, ये पूरी की पूरी मैच फिक्सिंग करने की कोशिश की जा रही है। और ये मैच फिक्सिंग सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं, ये मैच फिक्सिंग नरेंद्र मोदी और हिंदुस्तान के 3-4 सबसे बड़े अरबपति मिलकर कर रहे हैं, ये सच्चाई है। जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं, ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं। और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। And also on today, part of the entire protest and the Maharally of the opposition today, that's the India Bloc today in Delhi, was also Sunita Kejriwal, who gave a fiery speech today and in fact read out the 6 guarantees that Arvind Kejriwal wrote in jail. Let's listen in. आज आपके अपने केजरीवाल ने जेल से आपके लिए एक संदेश भेजा है। इस संदेश को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहूंगी। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने
मेरे पति को जेल में डाल दिया। क्या प्रधानमंत्री जी ने सही किया? क्या आप सब मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? क्या आप मानते हैं कि केजरीवाल जी एक सच्चे देशभक्त और ईमानदार इंसान हैं? ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि केजरीवाल जी जेल में हैं, इन्हें इस्तीफा देना चाहिए। क्या केजरीवाल जी को इस्तीफा देना चाहिए? आपके केजरीवाल शेर है, शेर। ये ज्यादा दिन तक उनको जेल में नहीं रख पाएंगे। Today is the massive rally that the India Bloc is conducting. How do you look at it? What will be the coming forward movement? This is not a rally just of the India Bloc. This is a rally of the people of Delhi. This is a rally of the people of the country. Today, if you were to see the large numbers in which people are turning out, these are not people who are political workers. You step out on the street just outside Ramlila Maidan, people are coming on foot, on their motorcycles, by metro. These are ordinary people of Delhi who are outraged by the arrest of Arvind Kejriwal, who can see the fact that Arvind Kejriwal has transformed their lives in the last 9 years, be it in terms of providing electricity, providing... India Gathbandhan ki 5 sutri maange padhne ke liye kaha hai. Isse pehle ki main ye shuru karun, main ek choti si baat aapke samne rakhna chahti hoon. Dekhiye, ye Delhi wale jante hain कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा, जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहां बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहां खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूं कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था, और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही संदेश था भगवान राम का, उनके जीवन का। और आज यहां रामलीला मैदान पर खड़े हुए
इंडिया पर गठबंधन की 5 मांगों को पढ़ते पढ़ने से पहले मुझे ये उचित लगा कि मैं ये संदेश एक बार फिर दोहराऊं। इंडिया गठबंधन की 5 सूत्री मांगे भारत के चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। दूसरी मांग, चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई द्वारा की जाने वाली बलपूर्वक कार्रवाई को रोकना चाहिए। तीसरी मांग, श्री हेमंत सोरेन एवं श्री जी एवं श्री अरविंद केजरीवाल जी की तत्काल रिहाई की जाए। चौथी मांग, चुनाव के दौरान विपक्ष के राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। पांचवी मांग, चुनावी बांड का उपयोग करके बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और धन शोधन के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक एसआईटी गठित हो जानी चाहिए। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। एक बार मेरे साथ कहिए, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत, जुड़ेगा भारत। धन्यवाद, जय हिंद। आप क्या करोगे जवान बच्चों को? अब मैं सभी लीडर से कहूंगा कि वो मंच पे आके एक फोटो, साझा फोटो, राइट, दैट्स द इंडिया ब्लॉक्स protest in Delhi, the Maha Rally, Loktantra Bachao Rally that is being organized by the India Bloc Alliance. Several leaders present there, including Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Vadra. You have Sunita Kejriwal, the wife of Chief Minister Arvind Kejriwal, who is in jail currently. You have Bhagwat Singh Mann. You have Sonia Gandhi, who is present there. You have Akhilesh Yadav as well, who was present in those leaders. And I'm being joined by my colleague. All right, here you have the India Bloc leaders who have joined hands. You have Sharad Pawar also, who's seen, with Bhagwat Singh Mann, who's also there on your screens. All the leaders making a big political remark, a big show of strength ahead of the Lok Sabha elections. Priyanka Gandhi Vadra in the end laying down a 5 plan demand by the India Bloc, including that the Election Commission must ensure a level playing field, that the misuse and abuse of central probe agencies must stop, and how chief ministers like Arvind Kejriwal or even the Hemant Soren, who was put in bar, though he resigned as the sitting chief minister before going to jail, they must be released temporarily. The protest rally happening in Delhi, a show of strength, a big show of strength ahead of the Lok Sabha polls. In fact, it was during this India Bloc protest today that Sunita Kejriwal, in a fiery speech, also read out the 6-point guarantee, which was written by Chief Minister Kejriwal in the prison, in the jail. And these points also include 1, free electricity for the poor, as well as statehood for Delhi, among several other promises that have been made. And now moving on, days after